आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर वन डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज। मैं हूं आपके साथ अंजलि। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। बेटी की मौत से नाराज परिजनों का कहर, सास ससुर को जलाया जिंदा, फंदे पर झुलसी मिली थी बेटी। प्रयागराज जिले में नवविवाहित बेटी की मौत के बाद मायके पक्ष के लोगों ने सास ससुर को जिंदा जला दिया गया। बेटी की मौत से नाराज परिजनों ने पहले मारपीट की, फिर घर का दरवाजा बंद कर आग लगा दी, जिससे जिंदा जलकर सास ससुर की मौत हो गई। आग लगने की सूचना पर पुलिसकर्मी पहुंचे, रेस्क्यू कर 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। इसके बाद फायर ब्रिगेड को बुलाया। 3 घंटे में टीम ने आग पर काबू पाया, फिर घर के अंदर गई तो 2 लोगों की डेड बॉडी मिली। दरअसल सोमवार को घर वालों को पता चला कि उनकी बेटी की मौत हो गई है। घर वाले वहां पहुंचे तो लाश फंदे से लटक रही थी। ये देखते ही घर वाले भड़क गए, उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। देखते देखते काफी लोग जुट गए, पहले ससुराल वालों से मारपीट की, फिर उन्हें घर में बंद कर दिया और आग लगा दी। मृतकों की शिनाख्त लड़की के ससुर राजेंद्र केसरवानी और सास शोभा देवी के रूप में हुई। धूमनगंज के झलवा की रहने वाली अंशिका केसरवानी की शादी के साल पहले मुट्ठीगंज के अंशु से हुई थी। रात में अंशिका ससुराल में रस्सी के फंदे से लटकी मिली। खबर मायके वालों को मिली तो काफी लोग मुट्ठीगंज पहुंच गए। ससुराल और मायके वालों के बीच जमकर मारपीट हुई। अंशिका के मायके वाले हत्या का आरोप लगा रहे थे। रात करीब 12 बजे हंगामा बढ़ गया और मायके वालों की भीड़ ने ससुराल वालों को घर में बंद कर आग लगा दी। अंशु के मकान के नीचे फर्नीचर के दुकान है, गेट बंद कर घर फूके जाने से अफरा तफरी मच गई। मुट्ठीगंज समेत कई थानों की फोर्स ने पहुंच हंगामा संभाला, अंशु के बगल के घरों को खाली कराया। गुस्साए मायके वालों को पुलिस ने सख्ती कर वहां से हटाया। इसके बाद किसी तरह से 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया। रात 12 बजे से टीम ने रेस्क्यू शुरू किया। करीब 3 घंटे में दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। छोटी से बड़ी खबर जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए उत्तराखंड लाइव न्यूज पर। अब चाहोगे इजाजत, नमस्कार।